हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में आप लोग पासवर्ड लॉक को कैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को पासवर्ड लॉक को लगाना है गाइस, जो पासवर्ड लॉक होता है वो सबसे प्राइवेसी पासवर्ड होता है गाइस, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स भी देखने को मिलेंगे, नंबर्स भी साथ भी आप लोग लगा सकते हो और सिंबल्स भी आप लोग लगा सकते हो। तो कैसे आप लोग इस पासवर्ड लॉक को लगा सकते हो गाइस अपने फ़ोन में, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड लॉक को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो इस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस सबसे ऊपर, तो इस लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है पासवर्ड का, तो इस पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड आ गया, तो यहाँ पर से आप लोग जो है अल्फाबेट्स को भी लगा सकते हो और नंबर को भी साथ में लॉक में लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं किसी भी लॉक को यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं मैंने अल्फाबेट्स के साथ नंबर भी लगाए हैं, आप लोग भी लगा सकते हो। तो आप लोग भी यहाँ पर जो डालना है पासवर्ड लगाना है उसको आप लोग यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए। करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सेम उसी पासवर्ड को आप लोगों को फिर से डालना है। डालने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, डन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो पासवर्ड लॉक है वो आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में पासवर्ड लॉक को लगा सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।